नमस्कार, मैं विमल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल सुल्तानपुर इलाके से एक युवक घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था, तभी उसका कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। मामूली सा झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया और लड़के की मौत हो गई। लड़के का नाम वरुण बताया जा रहा है। आरोपियों ने मिलकर वरुण के साथ इस कदर मारपीट की कि वरुण गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी लड़कों ने वरुण के प्राइवेट पार्ट पर बुरी तरीके से मारा, जिससे वो बेसुध होकर गिर गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौकाई वारदात से फरार हो गए और आनंद फानंद वरुण को रोहिणी जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। वरुण की मौत से गुस्साए परिजनों ने आज सुबह सुल्तानपुरी मेन रोड पर प्रदर्शन किया और सड़क पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिवार का आरोप है कि पुलिस इलाके में चल रहे सट्टे और अवैध शराब के कारोबार को नहीं रोकती, क्योंकि पुलिस को भी इससे मोटी रकम मिलती है। ना तो कोई निगम पार्षद आया, ठीक है जी, चाहे बुरा लगे तो लग जाए किसी को। हमारे समाज के इतने निगम पार्षद कोई नहीं आया, नहीं कोई विधायक आया, नहीं राखी पीटने आई, नहीं करम सिंह कर्म आए। जो बड़े बड़े दिग्गज है, जो लैंडलॉर्ड के आज के टाइम पे है, उनका समाज के प्रति कोई वो नहीं था दायित्व तो कि भाई आना चाहिए इसको, वो नहीं आए, ठीक है। अब बात कर रहे कि पुलिस प्रशासन कुछ करेगी, ये हमारे जो भाई है ना, हमारे सुल्तानपुरी में रह रहे हैं, उन्हें स्टेप उठाना पड़ेगा इसके लिए। दारू बंद का, दारू का बहिष्कार करो, सट्टे का करो, जहाँ भी कुछ गलत हो रहा ना तुरंत का बहिष्कार करो, तुरंत सूचना दो। और ये तो भूल जाओ कि हम पुलिस को सूचित करेंगे, भाई साहब पुलिस बंद करा लो, पुलिस से पहले ना खुद ही। अरे एरिया का ये रेजिडेंशियल एरिया जो हाई प्रोफाइल है उसमें क्यों नहीं चलता भाई साहब, ये सट्टा कॉलोनियों में क्यों चल रहा है, इसका क्या रीजन है? हमारे लोग ही है ना, उनको बढ़ावा देते हैं ना, इसीलिए ये कारण है इसका। अगर हमारे लोग ही जागरूक हो जाए ना और घुस घुस के सारे साथियों के सट्टे वट्टे सब बंद करा दे तो मजा नहीं है, कोई खुल जाए। पुलिस वालों का क्या कह रहा हूँ, क्या सुनो एक मिनट सुनो, हम जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, हम नहीं करते कोई राजनीति, सुनो मेरी बात। अभी बोल गए यहाँ से चले जाएंगे, पुलिस वाले कहते हैं हम ठीक है तुम्हारे साथ है, कोऑपरेट करें, रात से तो यही हो रहा हमारे साथ, हम तो बॉडी भी नहीं लेने जा रहे उसकी लड़के की, ठीक है, बॉडी भी वही है, बॉडी भी वही है, और ना उसको फेस कर पुलिस, पुलिस सुनो मेरी बात, पुलिस है ना, पुलिस एक पुलिस एक ऐसी चीज है, इनको सब पता होता कौन सासी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है, हफ्ता जाता घूस जाता सब पता नहीं होगा उनको। परिवार से ही, परिवार से ही हूँ मैं इनका, मेरा जो चाचा लगता हूँ उसका। इस बेरहमी से पीट पीट कर नाबालिग की हत्या की गई, उसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली के लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है? मामूली सी कहा सुनी में लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बन जाते हैं? आखिर क्यों समय रहते इस तरीके के अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है? ऐसे कई सवाल हैं जो वरुण की मौत के बाद खड़े हुए हैं, उनके जवाब अब परिजन तलाश रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।